कुछ फिल्में होती हैं जिनका बॉलीवुड में एक जमाना होता है जिनके नाम से बॉलीवुड की पहचान की जाती है। 10 साल 20 साल चाहे जितना टाइम गुजर जाए, ये फिल्म हमारे दिमाग में एकदम फ्रेश रहती है, ताजा ताजा, एकदम नई नई। दृश्यम यह हमारे बचपन की सबसे मुश्किल पहेली थी। क्लाइमेक्स इतना चाला कि असली दुनिया में भी विजय नाम के लोगों से डर लगने लग गया। लेकिन ये बात उस टाइम से लेकर आज तक तो बहुत कम लोग जानते हैं कि दृश्यम फ्रेश ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट रीमेक माल थी। ओरिजिनल फिल्म मलयालम में बनाई गई जिसमें लेजेंड मोहनलाल सर ने काम किया और उसी फिल्म का सीक्वल अभी पिछले साल 2021 में ओटीटी पर रिलीज हुआ था। यकीन नहीं होगा आपको, दृश्यम 1 को देखकर ऐसा लगा था कोई भी फिल्म इसकी बराबरी नहीं कर सकती, कोई भी। लेकिन दृश्यम 2 एक ऐसा सीक्वल निकला जिसने ओरिजिनल फिल्म को भी मामूली बना दिया। इस बार कहानी और भी ज्यादा खतरनाक प्लस चालाक हो गई थी। अब बॉलीवुड ने मौके पर चौका ये मारा कि वो फिल्म तो ओटीटी पर आई, हम इसको रीमेक करके थिएटर में रिलीज करेंगे और पैसे छापेंगे। मिशन की शुरुआत आज हो चुकी है। बॉलीवुड की दृश्यम 2 के कुछ पोस्टर्स और एक रिकॉल टीजर रिलीज किया गया है यूट्यूब पे। सिंपल शब्दों में बोलूं तो टीजर को देखकर 7 साल पीछे चला गया दिमाग हम सबका। स्पेशली टीजर में डाले गए इस हॉन्टिंग बैकग्राउंड म्यूजिक ने डर भी वापस महसूस करा दिया। अजय देवगन वाली फिल्म के साथ जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और धोखे वाला क्लाइमेक्स सब कुछ आंखों के सामने से रिवाइंड हो गया। स्पेशली पार्ट 2 में जो कास्ट है वो सेम टू सेम वही पुरानी वाली है, इसीलिए और ज्यादा इस कहानी के साथ एक कनेक्शन फील होता है। नए एक्टर्स के साथ एडजस्ट करने वाली दिक्कत है नहीं, लेकिन एक चीज बदल गई है दोस्त, जैसे मानो शरीर तो वही है लेकिन आपका दिमाग बदल जाए। नहीं समझे? जो ओरिजिनल दृश्यम थी बॉलीवुड वाली, उसको डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत ने, अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे बीच है नहीं। इसीलिए ये पार्ट 2 में फिल्म की टीम ने एक नया डायरेक्टर चुन लिया है। अभिषेक पाठक जो ओरिजिनली एक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने खुदा हाफिज जैसी मूवीज को प्रोड्यूस किया है, वो दृश्यम 2 के डायरेक्टर बन चुके हैं। अब आप मुझे सच सच बताना, एक फिल्म जो पिछले साल ही ऑडियंस की लिस्ट में नंबर 1 पे बैठी है, उसका रीमेक करके दोबारा ऑडियंस को बेचना ये काम आसान होगा या फिर मुश्किल? इस रीमेक के साथ जस्टिस करने के लिए प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर को सिलेक्ट करना कुछ ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं हो गया? या फिर बॉलीवुड का लॉजिक ये है कि कहानी तो ऑलरेडी तैयार ही है, बस उसमें एक्टर्स बदलकर फिल्म को बेचना ही तो है, ऑडियंस तो आ ही जाएगी थी। बॉस ये गलती फिल्म मेकर्स की काफी भारी पड़ सकती है। स्पेशली जो पिछली फिल्म थी उसके लेवल को मैच करना, फिर दृश्यम 2 के साथ कम्पीट करना मिशन इम्पॉसिबल सा लगता है। अब देखो फिल्म की ताकत कहानी में छुपी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी मलयालम वाला पार्ट 2 देख चुके हैं वो इस फिल्म को क्यों देखेंगे? उम्मीद करते हैं बॉलीवुड वाली फिल्म में कुछ तो चेंजेस किए जाए, ना कि सीन टू सीन सब कुछ कॉपी। अजय देवगन तो वही है पुराने वाले, उनके कैरेक्टर में ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला। टीजर में बस एक छोटी सी झलक देखने को मिली है उनके पार्ट 2 वाले अवतार की, आगे देखो होता है क्या। लेकिन फिल्म की असली सरप्राइज फैक्टर हो सकती है तब्बू मां, ये ओरिजिनल और रीमेक दोनों के बीच में डिफरेंस बन के आएंगी। जैसे भूल भुलैया 2 में इनकी परफॉर्मेंस ने फिल्म का लेवल ऊपर किया था, फिंगर्स क्रॉस दृश्यम 2 के साथ भी वो सेम चीज रिपीट हो सकती है। अभी आप बताओ यार, दृश्यम 2 वर्सेस दृश्यम 2 की लड़ाई, ओरिजिनल वर्सेस रीमेक, क्या सच में एक बार फिर ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ेगी? या फिर बॉस अब टाइम बदल गया है, ऑडियंस अपग्रेड हो चुकी है एंड ऑलरेडी एक बार देखी हुई फिल्म को कोई दोबारा क्यों देखेगा? आप फिल्म के सपोर्ट में हो या फिर बॉलीवुड के रीमेक बिजनेस में ताला लगवाना चाहते हो, जो भी दिल में हो नीचे लिख के बताओ।